संजय दत्त स्टारर प्रस्थानम फिल्म की कहानी क्या है और टीजर में क्या दिखा? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत, फैसला तुम्हें करना है, रामायण या महाभारत। दोस्तों, ये भारी वाला डायलॉग है संजय दत्त की आने वाली फिल्म प्रस्थानम का। अपने 60वें बर्थडे पर एक्टर संजय दत्त ने अपने फैंस को प्रस्थानम का दमदार टीजर गिफ्ट किया है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रस्थानम एक फेमस और हिट तेलुगु फिल्म है जिसके हिंदी रीमेक में संजय दत्त काम कर रहे हैं। हिंदी रीमेक के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने ओरिजिनल तेलुगु फिल्म डायरेक्ट की थी, यानी डायरेक्टर देवकट्टा। तो आइए जानते हैं कि इस टीजर में क्या क्या और कौन कौन दिखाई दे रहा है। 1:08 के इस टीजर में संजय दत्त एक बाहुबली राजनेता के रोल में नजर आ रहे हैं। बोले तो वो बड़ी हुई दाढ़ी, छोटे बाल, माथे पर टीका और हाथ में गन लिए दिखाए गए हैं। पॉलिटिकल बैकड्रॉप पर बेस्ड इस फिल्म के टीजर को देखने से कहानी तो पता नहीं चलेगी अगर आपने ओरिजिनल वाली फिल्म नहीं देखी तो, मगर फिल्म के ऑलमोस्ट सभी किरदार इस टीजर में जरूर दिख रहे हैं। जैसे संजय दत्त के साथ इसमें जैकी श्रॉफ, मनीषा कोयराला, अली फजल, अमायरा दस्तूर, चंकी पांडे जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी एकदम सेम होने वाली है जो 2010 में आई तेलुगु भाषा की प्रस्थानम की थी। फर्क बस ये होगा कि हिंदी वाली फिल्म एक नए गांव में सेट होगी और किरदारों के नाम अलग होंगे। तो ऐसा है, कहानी शुरू होती है साउथ के एक गांव में। वहां का नेता है लोकी, जिसका पूरा नाम है लोकानाथम नायडू। उसके दो बेटे हैं, एक सौतेला बेटा है, नाम है मित्रा, उससे वो बहुत प्यार करता है। लोकी का दूसरा बेटा है चिन्ना, जो उसका सगा बेटा है, लेकिन वो अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार मित्रा से करता है क्योंकि मित्रा बहुत समझदार है, वहीं चिन्ना गुस्सैल और बुरी आदतों वाला है। पिता का मित्रा से ये प्रेम चिन्ना को हमेशा खलता है। खैर, आगे ये होता है कि लोकी सोतेले बेटे मित्रा को अपनी पार्टी का यूथ लीडर बना देता है। जब चिन्ना को पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाता है। वो मित्रा को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन मित्रा बच जाता है। इसके बाद नफरत की आग में जलता चिन्ना मित्रा की बहन और उसके पति को मार देता है। इस पर मित्रा आग बबूला होकर चिन्ना को ही मार देता है। दोस्तों, सगे बेटे की मौत से लोकी बहुत नाराज हो जाता है। वजह जाने बगैर वो अपने आदमियों को मित्रा को मारने का आदेश देता है। दूसरी तरफ मित्रा को भी अपने इन पिता लोकी के बारे में ऐसी बात पता चलती है जिससे वो हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि गांव की पॉलिटिक्स की वजह से लोकी ने ही उसके असली पिता को मारा था। ये जानने के बाद वो लोकी के पास जाकर उसे कहता है कि वो उसका घिनौना सच जान चुका है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है। मित्रा के हाथ में गन आ जाती है और वो अपने बाप की तरफ तान कर खड़ा हो जाता है और यहीं पर फिल्म का क्लाइमैक्स सीन है। वेल, संजय दत्त की अगर वर्क रिपोर्ट की बात करें तो जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है। बहरहाल, प्रस्थानम के अलावा संजय दत्त तोरबाज, पानीपत, सड़क 2, KGF चैप्टर 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आने वाले हैं। बाकी फिल्में अगले साल रिलीज होंगी और जहां तक बात है प्रस्थानम की तो वो फिल्म 20 सितंबर इसी साल रिलीज हो रही है। तो आप संजय दत्त की इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।